हेलो एवरीवन, तो वी आर हेयर एट जीवन मोटर्स भोपाल टू टेक डिलीवरी ऑफ द ऑल न्यू ब्रेजा ऑफ मिस्टर सुमित. सो सुमित, हाउ यू फीलिंग? ऑसम ऑसम. सो लेट्स चेक इट आउट. सो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द वर्कशॉप, एंड वी हैव सिलेक्टेड फ्यू एसेसरीज. सो आई होप दैट एसेसरी मस्ट बी फिटिंग. सो लेट्स गो इनसाइड. तो चलें सुमित, चलिए चेक करते हैं हमारी गाड़ी कहाँ. एक राउंड ले लेना गाड़ी. हाँ सुमित, बताओ तुमने इसमें क्या क्या एसेसरी लगवाई है एडिशनली. बताओ 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 बताओ. देखिए, सबसे पहले इसमें लगा हुआ है ये फ्रंट एक्सटेंडर. सेकंड ये क्रोम. चार आपको यू शेप के क्रोम दिखाई दे रहे हैं. अच्छा, ये कंपनी फिटेड नहीं है? एडिशनल कंपनी मेड मतलब. और इसमें हमने एक चीज लगवाई है, मड फ्लैप. मड फ्लैप समझ में तो आ नहीं रहे वैसे. ओके, मड फ्लैप. चलो जल्दी जा रही है, जल्दी बताते वैसे ऐसे बताते. और ये लास्ट चीज जो उसमें एक्सटेंडर. वेरी गुड. तो गाड़ी जा रही है अपनी डिलीवरी के लिए, लेके चलो भैया. कैसा लग रहा है सुमित, गाड़ी बाहर से आ रही है डिलीवरी के लिए? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. ये मेरी फर्स्ट गाड़ी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सपना पूरा हो गया है. क्या आप बताएंगे कि आपने कौन सा वेरिएंट लिया है? ये विटारा ब्रेज़ा का VDI ऑप्शनल वेरिएंट है. VDI ऑप्शनल मीन्स व्हाट? ऑप्शनल मीन्स VDI का जो एक एडिशनल पैकेज जिसमें आप एयरबैग और ABS इसमें ले सकते हैं, ये इसका एडिशनल एक पैकेज होता है ऑप्शनल में, जिसकी कीमत लगभग 15,000 रुपये ज़्यादा है VDI से. अच्छा, और उस 15,000 के बदले में आपको क्या मिलता है? दो एयरबैग और एक ABS. दस नहीं लग सही जहरीले तो लाल वाली. तो ये है उसमें. हाँ, टिक करते जाओ, ज़्यादा सही रहेगा. सर्विस कूपन उसी में रहता है. सर्विस मैनुअल बुक हो गया. ये टूल किट्स मैंने आपको दिखा दी. ठीक है. स्पेयर व्हील दिखा दिया. ठीक है. जैक, फर्स्ट एड बॉक्स, वार्निंग. ठीक है. ठीक है सर जी. अब ये बच्चे आपके पैरामीटर के हमने आपको जिया तो क्या जिया, तारीफ से तरक्की को हासिल किया तो क्या किया. एंड आपका 1, 2, 3 फोटो की स्पीड में आपको चलाना है. ईयर फ्लोवर जहाँ भी बची है, फ्रंट मतलब फ्रंट एंड डाउन, ये डाउन, ये डाउन एंड विंड शील्ड का जो फेंकेगा ये हवा हटाने के लिए रहता है. ठीक है. ठीक सर. ये एयर सर्कुलर का रहता है, उसको ऑफ कर देंगे तो बाहर से बाहर कुछ नहीं रहेगा. ठीक है. ऑन रखिए, AC चलाते टाइम. AC नहीं चला उस टाइम पे इसे ऑफ कर दीजिए. ठीक है. ब्लूटूथ चालू कीजिए आपके सेल का. आ गया सर्चिंग. नहीं, पिन नंबर. पिन डबल. आ गया भाई, अब तू गाना बजा. कुछ भी कर सकते हैं आप. एक मिनट रुकिए, चालू रखिए उसको. ये आप चलाइए, आप गाने वगैरह कुछ किसी कॉल कीजिए. ये आपको कॉल अटेंड करने के लिए, ये कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए. हाँ, कॉल करो. ये सॉन्ग चलने लगा था, चल रहा कुछ बैकग्राउंड. ये देखिए डायलिंग. भगवान, तो स्पीकर में आवाज आती है क्या? हाँ, ये पूरा स्पीकर में है. उठाई लेने के कनेक्ट कर लिया, पॉकेट में रख लिया, कहीं भी गाड़ी में भी जरूरत नहीं आपको सेल के पास के लिए. देखिए डिस्कनेक्ट किए इससे हो जाएगा. ठीक है. इससे ऐसे आपको कनेक्ट हो गया, रिसीव करना है, कॉल आ रहा है तो इससे रिसीव कर सकते हैं आप. ठीक है. इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है. ये वॉल्यूम सेम सब चीज़ों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं अपना. ठीक है. ठीक है. सी एच ई फ्रिल. ये स्टीयरिंग का अनस्टॉपेबल चलाते हैं. स्टीयरिंग पे सब चीज़ें रहती हैं, वो दिखा दे रहा हूँ मैं आपको. ये इंडिकेशन दिखाता है सब बढ़ गया.
ये आपका बैटरी का स्टेरिंग का ये स्टेरिंग का क्या दिखा रहा है? अगर स्टेरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं बैरिंग वैरिंग कुछ भी खराब हुआ कहीं पे, तो ये अभी ये मतलब ऑरेंज दिख रहा है, इसका क्या मतलब? अभी गाड़ी बंद है इसलिए इंडिकेशन दिखा दूं, फिर मैं आपको बताता हूं। सीट बेल्ट का, हैंड ब्रेक का, ये फ्यूल टैंक का, ठीक ठीक। अगर स्टार्ट होने के बाद अगर इनमें से कुछ भी इंडिकेट कर रहा है तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है, सर्विस मैं स्टार्ट करूंगा सब हट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये तो स्टार्टिंग में आपको दिखाने के लिए कि सब चीजें इसमें हैं, ठीक है ठीक है। देखिए क्या बचा हुआ अभी, वो सीट बेल्ट का और हैंड ब्रेक और फ्यूल टैंक का, ठीक है। तो देखिए हैंड ब्रेक उतारूंगा मैं, हैंड ब्रेक लग जाएगा, ये हैंड ब्रेक कट गया, सीट बेल्ट करेंगे, सीट बेल्ट लिया, फ्यूल अभी कम है इसलिए इंडिकेट कर रहा है, ठीक। फ्यूल फिलअप हो जाएगा तो वो इंडिकेशन हट जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। ये आपका मिरर एडजस्टर, ये आपका राइट वाला करना है, राइट में खिसका दीजिए सर इसको, ये राइट वाला, ठीक है। ये पार्किंग सेंसर आपकी, ठीक है ठीक है। इसको ऑन रखिए हमेशा, ये हेडलाइट एडजस्टर, फोकस को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ये ऑटो का बटन क्या है इसमें? ऑटो का सर ये तरह से आपने ये लॉक कर दिया, आपके तीनों विंडो लॉक हो जाएंगे, मगर ये नहीं होगा ड्राइवर वाला, नहीं होगा मगर ये लॉक नहीं होता कभी भी, ठीक है। एक बार दबाएंगे आप ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा, दवाई रखेंगे तो पूरा नीचे लगेगा, रुपये नहीं और सब रुक जाते हैं, ये ऑटो रहता है, ठीक है। बाकी के सब नहीं है, ऑटो सिर्फ यही रहता है, ठीक है। ये अपना डोर लॉक का सर, ये डोर लॉक कर दिया मैंने, आप डोर खोलिए नहीं खुलेगा, ठीक है। बट यहाँ से खुल जाएगा सर, मैं ठीक करेगा सर। वैसे ही अगर अगर गाड़ी 15 की स्पीड से ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाते हैं सर, ठीक है। सब गाड़ियों में हो जाएंगे, ठीक सब में आया लगा आजकल, ये डोर अनलॉक। जैसे बच्चे बच्चे बैठे हैं तो वो सीधे लीवर खींचते हैं, ये तो वो कर नहीं पाते हैं ज्यादातर, ये लीवर लॉक हो जाता है, ठीक है सर, ठीक है ओके। ये यहाँ पे बोनट खोलने का स्विच, ठीक है, नॉर्मली सब में रहता है। यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक खोलने का, सीट एडजस्टर, ये नॉर्मल आपके नीचे भी किया लीवर, लाइट जलती रहेगी, नहीं आप सोचेंगे लाइट क्यों जल रही है यहाँ पे, अच्छा ये परमानेंटली बीप होती रहेगी, रेड कलर की जलती है, जी जी वो चाबी बंद होने पर भी जलती है, लॉक होने के बाद भी जलेगी, सिक्योरिटी अलार्म रहता है, गाड़ी के साथ कुछ चोरी मोरी करने के उसका कुछ छेड़छाड़ करेगा तो वो आपको बीप करेगा। हाँ बेसिकली ज्यादा वाइबर अपन ने टेस्ट नहीं किया, पार्किंग सेंसर वो बीप करता है, ज्यादा कुछ वो नहीं आता। देखिए आप पीछे देखिए भैया, नहीं तो सेंसर के चक्कर में चला, देखिए अभी बीप हो रहा है, हाँ अभी तो जाएगी, अच्छा यही आवाज जो आ रही है यही आती है सर आवाज, देखिए जितने पास जाएंगे बीप हो जाएगी, देखिए ये बढ़ती जा रही है, अच्छा ये देखिए कंटिन्यू करने लगी, थोड़ा आगे जाएंगे, ये घड़ी कभी डिस्टर्ब हो जाए वैसे होगी नहीं, जब तक आप बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक कभी होगी नहीं है, ठीक है। ऐसे कभी हो जाए तो इन दोनों स्विचों को साथ में अंदर पुश करेंगे आप, देखिए दोनों को साथ में दबाऊंगा तो ये हॉर्स वाला डिप करने लगा, ठीक है। एक बार और साथ में उसको आगे पीछे करने के लिए ये पूरा नहीं घूमता, सिर्फ वहीं के वहीं ऐसे और फॉरवर्ड करेंगे ये आगे जाएगा, अच्छा। और बैक करना बैक साइड के लिए, ठीक है। ये पांच दोनों को फिर साथ में प्रेस करेंगे तो ये मिनट्स वाले पहुंच जाएगा, फिर मिनट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे जो भी आपको रखना है, ठीक है। फिर दोनों को साथ में एक बार प्रेस करेंगे तो हट जाएगा, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। ये रहता है आपका ट्रिप मीटर, ए ट्रिप बी ट्रिप, ठीक है। मैं 0-0 करता हूँ, आप दबाए रखेंगे थोड़ी देर के लिए 15-20 सेकंड के लिए तो 0-0 पे सेट हो जाएगा वो, अच्छा ठीक। कभी भी आपको रीसेट करना हो, ये रहता है आपका ओडोमीटर, ऐसे आपका रेंज दिखाया गाड़ी में कितना फ्यूल है, कितने किलोमीटर चलेगी, जैसे आपकी गाड़ी में 20 लीटर फ्यूल डलवाया आपने, आप पता नहीं कि इतना गाड़ी कैसा एवरेज है कितनी चलेगी, तो गाड़ी अपने हिसाब से कैलकुलेटर बताएगी कि 20 लीटर में गाड़ी इतने किलोमीटर चल जाएगी आपकी, मतलब टंकी में जितना पेट्रोल डीजल है उसके हिसाब से बताएगी, उसके हिसाब से बताएगी कितने किलोमीटर तक ये चल जाएगी। ये आपका फ्यूल का शो करेगा कितना फ्यूल है, पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, ये आपके इंजन का कूलेंट, ठीक है इसमें सब कुछ चेक हो गया। अब मैंने चेक करा दिया, आप देख लीजिए, मैंने आपको ये सब टेम्परेचर का और ये सब चेक करा दिया, मीटर्स के पूरे इंडिकेशन, ये आपका हीटर और एसी का, ये हीटर का है वो, ये पार्किंग लाइट्स, चारों इंडिकेटर्स, ये आपके देखिए मेन लाइट, अपर डिपर, ठीक है, ये आपका वाइपर, ठीक है वो, हाँ वाटर वाला, हाँ ये नहीं चेक किया था, सही है, ठीक है। ये आपके पूरे इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट वाले, ये की आपके पास है, ये आपका व्यू मिरर बैक साइड वाला, ये भी वो ऑटो डिम वाला है क्या? ऑटो, ये नाइट मोड वाला,
ये देखिए नाइट मोड में ये पहुंच जाता है, ये नाइट मोड में हो गया। आपकी साइड से देखिए, आप एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से कहां पीछे पीछे वाला। अच्छा हां, थोड़ा साइड में देखते हो डार्क दिखाई दे रहा है, थोड़ा लाइट दिखेगा। हम्म, बैक साइड का नाइट मोड बोलते हैं। एडजस्टेबल कर दो सीट का, ये सीट बेल्ट ये आपका की वाला, या ये आपको पेट्रोल फ्यूल टैंक खोलने का दिखा दिया मैंने। फोटो फोटो ये आपका बोनट खोलने का स्विच, ये बोनट खोलने वाला स्विच सामने है। ये फ्यूल टैंक का ढक्कन साइड में रहता है, ओपन कहां से होता है वो फ्यूल टैंक? अच्छा, ये नीचे जो दिया हुआ है। ये सब तो ये कूलेंट वगैरह ऑयल वगैरह मैं चेक करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये टूल बॉक्स तो मैंने आपको चेक करा दिए, स्टेपनी वगैरह, ठीक है। ठीक, चलिए मैं आपको ऑयल दिखा दे रहा हूँ। उसमें कूलेंट, ये हमेशा ये पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे मार्क रहता है, मैक्सिमम रखें यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं करें, ओवर हो जाएगा तो निकल जाएगा वो। ये मिनिमम यहाँ पे, यहाँ पे अगर पहुँच जाए तो फिर ऐड करना आपको, डालना है यहाँ से, ठीक है। ये आपका वाइपर वाटर, ठीक है, इसमें नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शैम्पू वगैरह मिला के। ये ब्रेक ऑयल यहाँ पे, ब्रेक ऑयल में से एक दिन एक दो साल तक चेंज होता है, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, लीकेज होता है तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं देती। यहाँ से इंजन ऑयल आपका ऑयल गैस ऑयल चेक करने के लिए, यहाँ से आपका ये एसी का गैस फिलअप होगा। और हमेशा इसमें लिखा है ये वाला यूज करें, ये वाला भरा। अच्छा, ये गैस है, ठीक है, सब अलग अलग आता है, इसके लिए अलग आता है। ये एडिशनल, ये कभी कुछ देखना हो तो वीडियो देख सकते हैं। ये अच्छा है, बाकी में फ्यूज निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, हम तो प्लास्टर पकड़ के निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आपका जो भी दिक्कत आए बंद हो गाड़ी तो आप इसी में चेक करें। तो सीधे उल्टे का तो पता ही होगा। हाँ पता है। और सुमित, 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 कैसा लग रहा है साथिया बनाते हुए, बताओगे? हमारे व्यूअर्स से अपनी फीलिंग शेयर करो। ठीक है, ये मंत्रंत्र को उच्चारण उच्चारण कर लो यार। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धाश्व, ओम स्वस्ति न भूषा विश्वेदा, स्वस्ति न हस्ताक्षरी ओरिष्ठिनी, स्वस्ति न बृहस्पति धरातु, ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया, अच्छा माइलेज दे, कभी पंचर ना हो, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। क्यों फर्स्ट सर्विस है सर 1000 एक महीने पे, हाँ, दूसरी है 5000 छः महीने पे, हाँ, तीसरी जो है 10000 या 1 साल के। अच्छा, ये तीन सर्विस फ्री हैं कंपनी तरफ से, बहुत बढ़िया, मिल गई आपको, दिखाएं। ये है मेरी गाड़ी की सर्विस बुक, ओनर्स मैनुअल एंड सर्विस बुकलेट। बहुत बढ़िया, अच्छी लग रही है। सर आइए, मैं सर आपको फोटो लेना पड़ेगा। फाइनली बधाई हो, बधाई चलें सर। ओके, थैंक यू सर, आपको भी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सुमित, खींच लिए? बस बस हो गया।
बेटा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.